खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त दिवेश शाशनी ने आज अल्मोड़ा शहर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा करीब 13 करोड़ की लागत से अल्मोड़ा शहर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए 5 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2 स्थानों पर विवाद चल रहा है, उसे जल्द सुलझाकर कार्य में तेजी लाई जाएगी और तय सीमा के भीतर पार्किंग संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, अल्मोड़ा नगर निगम में हमने जब से अभी कार्यभार संभाला है, कुछ कुछ हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं, उनमें हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हम उसमें एक्सपेडाइट करके काम करा लें। कुछ चीज़ें हैं जिनमें ऑलरेडी प्राधिकरण द्वारा CMDS को कार्य दिया गया था, जैसे कि हमारी जो पार्किंग्स हैं, उनमें जो पार्किंग्स, हमारी एक पार्किंग है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट हमने 10 या 15 डेज की डेडलाइन दी थी। जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, अभी हैंडिंग टेकिंग ओवर बचता है, उनको कुछ माइनर चीज़ें जो है उनमें काम करना है, वो होपफुली नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर हमारे पास शायद पूरा हो जाएगा। हम उनसे लेके टेंडर डाल देंगे एंड विद इन नेक्स्ट आई थिंक होपफुली जैसे टेंडर की पूरी ड्यूरेशन हो जाती है, उनको फंक्शन कर देंगे पार्किंग को। रही बात जो हमारी कुछ ऐसी पार्किंग्स हैं जो KMU स्टेशन हो गया, जो हमारा गर्ल्स इनके कॉलेज के पास है, उनमें कुछ कोर्ट का विवाद है, तो उसमें हम एक्जैक्टली टाइम लाइन पर कमेंट नहीं कर सकते, परंतु जिला प्रशासन द्वारा उन केसेस को अर्जेंट हियरिंग के लिए डाला गया था और जो भी स्टेक होल्डर्स उनके साथ भी लगातार चर्चा की जा रही है ताकि इनको भी जल्दी खत्म किया जाए और हमारी जो पार्किंग्स हैं वो जल्दी बन पाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन की कुछ इश्यूज है थोड़ा रिजॉल्व हो पाए।